ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। एटा ब्रेकिंग न्यूज। एटा में कोरोना वॉरियर्स पर हमला, कंट्रोल रूम पर कोरोना संदिग्धों की सूचना मिलने पर गांव आसपुर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हुआ हमला। कोरोना संदिग्धों को लाते समय एक युवक ने किया स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ईंट से हमला। एम्बुलेंस यूपी 32BG/8858 भी हुई क्षतिग्रस्त। कोरोना संदिग्ध महिला सहित स्वास्थ्य कर्मी हुए घायल। लोगों की सहायता से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हमलावर को पकड़ा। पुलिस को दी घटना की सूचना। डॉक्टरों की राय से हमलावर को किया गया क्वारंटीन। थाना मलावन क्षेत्र के आसपुर की घटना। टाइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। सर, ये पश्चिम दिल्ली से चल के कोई आया है लड़का, गाजियाबाद से पैदल, अपने आप को पश्चिम बंगाल का बता रहा है। इसने चलती हुई गाड़ी में पत्थर मारा है, जो पत्थर हमारे गाड़ी के अंदर बैठे मरीज को भी लगा है, उसको भी थोड़ी दिक्कत आई है। और मरीज, मैं अपनी गाड़ी आसपुर के लिए लेके गया था, वहाँ से मरीज लेके क्वारंटाइन वाला हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ला रहा था। रास्ते में इसने मेरे पत्थर मारा और हमारी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। हमारे हाथ में भी सर ये चोट लगी है। मैं ग्लव्स नहीं पहन सकता हूँ अब, वो मैं कोरोना का मरीज ही उठाता हूँ सिर्फ। इसने सर हमारे साथ बदतमीजी भी की है और पत्थर भी मारे। मैंने सर 112 पे भी फोन किया, 112 वाले मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने हमसे कह दिया कि आप इसको लेके जाएं, क्वारंटाइन कराएं इसका, अब हो सकता है कोरोना का मरीज हो। इसलिए सर मैं इसको गाड़ी में लेके चला आया और यहाँ पर सीएमओ साहब और हमारे अधिकारियों ने कहा है कि थोड़ी देर रुक जाओ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको खड़े